गाइज आप सब लोग मेरा सक्सेस स्टोरी देखो एसएससी जीडी पर। यहाँ पे मेरा मेडिकल हुआ था, फिजिकल हुआ था यहाँ पे 2020 में, ठीक है, सीआरपीएफ अलीगढ़ कैंप। उसके बाद ये देखे यहाँ पे मेरा मेडिकल भी हुआ था कानपुर सेंट्रल पे, और मेडिकल फिट होने के बाद ये पोस्ट मैंने किया था, और ये है कानपुर सेंट्रल के स्टेशन। और उसके बाद गाइज हम लोग दिल्ली की जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। और आगे देखे, राम राम भाइयों, आप सभी को वेलकम हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में एक्चुअली मेन टॉपिक है एसएससी जीडी सक्सेस स्टोरी। बहुत सारे हमारे जो भाई बहन जो भी है ना, लोग सक्सेस स्टोरी देखना बहुत पसंद करता है, वो भी एसएससी जीडी व कोई एक बेकार जवान, जो एक बेकार लड़का या लड़की जो खुद को इम्प्रूवमेंट करते हुए जो आर्मी में सिलेक्शन होता है या कुछ और प्लेस में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो डिफेंस में जरूर होना चाहिए। आज मैं आप लोगों को वही बात एक्चुअली बताने की कोशिश जरूर करना चाहता हूँ। और जो भी भाई बहन इस सक्सेस स्टोरी को एक्चुअली सुनेगा वो बहुत अच्छा जरूर होगा, ठीक है। तो वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखें, और एक्चुअली हर बात आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू पता जरूर चल जाएगी। ये लोकेशन बहुत ही अच्छा है, आप देखो, और पीछे जो खेत है एक लीची का खेत है, लीचू जिसको कहते हैं, ये देखो मेरे पीछे सामने ही बहुत है। ओके, तो ये है। तो आगे का जो टॉपिक है वो टॉपिक इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी, और सब कुछ क्लियरली एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ ही आज ये स्टोरी आप लोगों को मैं शेयर जरूर करना चाहता हूँ। बाय द वे, आई एम सुरजीत, सो वेलकम आपको एज फॉर सिंपल यूट्यूब चैनल में। चलो वीडियो को स्टार्ट जरूर करते हैं। बाय द वे गाइज, टाइम थी 2018 के, उस टाइम एसएससी जीडी का एक बहुत बड़े बिग अपडेट आया था, और उस टाइम टोटल वैकेंसी थी 68,000 वैकेंसी या 58,000 वैकेंसी के प्लस। एसएससी जीडी 2018 का एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया एसएससी के वेबसाइट पर, हम सभी ने बहुत खुश था, ठीक है। और ये जो बात मैं एक्चुअली बता रही हूँ वो टोटल मेरे एकदम क्या बताऊँ, मैंने खुद फॉर्म फिलअप किया था, और टोटल मेरे ये स्टोरी मैं आप लोग आज सुनाती हूँ। ओके, तो 2018 में रिलीज कर दिया गया नोटिफिकेशन, फॉर्म भी हमने फिलअप कर दिया। फॉर्म फिलअप करने के बाद जब एक प्रिंट आउट आया था ना, फॉर्म आफ्टर फॉर्म फिलअप करने के बाद जो उसी प्रिंट आउट में, उस प्रिंट आउट में एक ऑप्शन एक गलत हो गया था, मेरे से नहीं, मैं तो जो भी लिखा था एकदम सब कुछ सही से लिखा था, लेकिन जब फॉर्म फिलअप किया उसके बाद जब एग्जाम के एडमिट कार्ड आया तब मेरा स्टेट शो हो रही है यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके, तो उत्तर प्रदेश शो हो रही थी और बहुत सैड भी फील हो रही थी, इसलिए बहुत ही गलत हो रहा था कि एग्जाम सेंटर इतने दूर क्यों दिया, कैसे जाऊं। तो कैसे भी मैंने अकेला खुद घर में बताया कि मेरा एग्जाम है एसएससी का और मुझे जाना होगा, तो इसलिए मैं चला गया एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया तब मैंने देखा मैं पास हो गया, और उसके बाद फिजिकल, और ये आगे की टॉपिक यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो को अच्छी तरह से देखो। तो एग्जाम पास करने के बाद मैंने मेडिकल फिजिकल की और मेडिकल के भी तैयार कर दिया था, और ये अभी देखो ये 4 ईयर की फोटो है, तब मेरा चेहरा कुछ ऐसा ही था, ठीक है, ये थोड़ा सा रेड कलर हो गया, और देखो, और ये देखो मेरा जो यहाँ पे मेरा जो अलीगढ़ कैंप है यहाँ पे मेरा फिजिकल हुआ था, और ये आप देख सकते हो ये यूपी पे है, और ये गूगल फोटोज़ पर भी अवेलेबल है इस फोटो, और ये 13,000 लोगों ने देखा। तो मेडिकल हुआ मेरा अलीगढ़ पे, और सॉरी वो मेडिकल नहीं, वो पीएसटी एंड पीएटी, मुझे थोड़ा सा गलत हो गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा था 2020 में हमारा फिजिकल हुआ था, और वहाँ पे मैंने फिट हुआ था सीआरपीएफ कैंप अलीगढ़। तब देखो मेरा ये है फोटो, और मेरा फेस को एक बार गाइज आप देखो मैं कैसा दिखता था,
उस टाइम 4 साल के बाद थे गाइस, 2020 में, 2020 में हमारे फिजिकल हुआ था, और फिजिकल होने के बाद ही ये गाइस थोड़ा सा लॉकडाउन या कुछ ऐसा हो गया था। आप लोगों को पता ज़रूर चल जाएगी, आगे वीडियो को ज़रूर देखें। और ये अलीगढ़ के जो कैंप है ना CRPF के अलीगढ़, तो ये कैंप बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे देखो गाइज, ये है CRPF अलीगढ़ की कैंप। आपको गूगल पे जब आप सर्च करोगे तब ये आपको ये सभी इमेज आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये इमेज मैं खुद वहाँ पे अपलोड किया था। और इस साइड में आसपास जो भी घर है वहाँ पे हमने रेंट लिया था घर में, और इस रोड के सामने ट्यूबवेल थे, उस ट्यूबवेल में हमने नहा धोआ किया सब कुछ। और ये देखिए, ये 104 बैटलियन है, ठीक है। और मुझे एक चीज़ अभी भी बहुत याद आती है यहाँ पे भाई, मैं और मेरा एक दोस्त, अभी उसके मैं नौकरी लग गया, ठीक है, क्योंकि वो कोई दूसरे कास्ट से बिलोंग करते थे इसलिए। और एक कैंप बहुत ही बढ़िया है, इस कैंप के अंदर ही मेरा फिजिकल हुआ था, 5 किलोमीटर रन हुआ था, और हमने 5 किलोमीटर रन भी पास किया था, हाइट पर भी पास किया था, वेट में भी पास किया था, सब कुछ क्वालिफाइड कर दिया था यहाँ पे। अब आपको मैं कुछ और दिखाने की कोशिश ज़रूर करना चाहता हूँ, आप एक बार देखो गाइस। ये है गाइस कानपुर सेंट्रल, यहाँ पे मेरा मेडिकल हुआ था ITBP कैंप पे, 2020 में मेरा मेडिकल भी हुआ था। तो इस फोटो को मैंने तब पोस्ट किया था आफ्टर SSC GD मेडिकल फिट ITBP कैंप 2020 कानपुर सेंट्रल। अभी 4.10 स्टेशन से मैंने ये और अपडेट किया था पोस्ट को, आपको मिल जाएगी, आप एक बार सर्च करो और देखो मेरा ही नाम सुरजीत मंडोल करके, यहाँ पे आपको ये सब पिक्चर मिल जाएगी। तब गाइस मैं कितने अच्छे दिखता था, कोई दाढ़ी बाड़ी तो कुछ भी उतना नहीं था, लेकिन मेडिकल ना ही था इसलिए ऐसा था। तो ये है जो ITBP कैंप कानपुर सेंट्रल से, कानपुर रेलवे स्टेशन से हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया था, और इसी स्टेशन ये यहाँ पे ही मेरा मेडिकल हुआ था, और मैंने मेडिकल फिट हुआ। ये मेडिकल जब मैंने अंदर गया था, यानी ITBP कैंप से बाहर ये रोड थे, और इसी रोड के सामने ही मेडिकल, सॉरी जो ITBP कैंप है वो कैंप है। और ये देखो, हमने उस टाइम मैं ऐसा दिखता था, और भाई बहुत मेहनत किया था तभी। लेकिन आगे भी और भी देखो, आप लोगों को सब कुछ पता ज़रूर चल जाएगी, ठीक है। यह 4 साल की फ़ोटो है मेरा, इतने मेहनत किया भाई कि भगवान को वो मेहनत बेकार ही लग गया। देखो जिस टाइम मेडिकल हुआ था ना ये, और ये उसका ही फ़ोटो है कानपुर सेंट्रल का। उस टाइम मेरा तो कोई पिंपल थोड़ा थोड़ा सा हुआ था, देखो अब कोई दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं है भाई। फिजिकल पास किया था मेडिकल, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग किया था, और मुझे ऐसी ऐसी जगह पर मुझे मेडिकल फिजिकल, ठीक है, सब कुछ हुआ था। और बहुत ही गलत हुआ जब फाइनल मेरिट लिस्ट आया था, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसके बाद ही देखो गाइस अब हम लोग क्या कर रहा था। मैं खुद दिल्ली की जंतर मंतर पर प्रेजेंट थी, ये देखिए अब 2022 से प्रोटेस्ट कर रही थी, और ये देखिए मैं खुद वहाँ पर प्रेजेंट थी दिल्ली की जंतर मंतर पर, वहाँ भी मैंने प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया। एक लड़की थी, वो उसने बार बार बताया कि आप सब लोग कमेंट पे बोल रही थी कि जल्द से जल्द आ जाओ, जॉइनिंग आपको मिल जाएगी और भी बहुत कुछ। तो हम सभी ने, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे थी, बहुत दिन प्रोटेस्ट किया, हमारा ननासन भी हुआ था, आप लोगों को पता जरूर चल जाएगी, बहुत सारे वीडियो है भाई। बहुत दर्द होता है जब सक्सेस होने के बाद भी सरकार हमारे साथ ऐसा किया है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे वैकेंसी है, तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, 50-50 खेला खेल दिया।
तो कैसा लगा गाइस, सक्सेस होते होते ही अनसक्सेसफुल मैं हो गया, और अगर जॉब अगर मिल जाती तो बहुत साल हो जाता था हमारे नौकरी करने का, क्योंकि हमारे दोस्त सब लोग नौकरी कर रही है और वो अभी बहुत ही खुश है, और हम ये मेरा किस्मत है, मुझे जो लिखता है ना यही मेरा किस्मत है, फाइनल मेट से रिजेक्टेड हो गया। आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर करें, और कुछ नहीं बताना चाहता हूँ।